शक्ति, डॉक्टर शिव हमारा हाथ छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। कि तुम्हें क्या हो गया है शक्ति? हर पति पत्नी में लड़ाइयां तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर कि मेरा प्यार झूठा है? झूठा है सच्चा हमें पिछले कुछ दिनों में पता चल गया है डॉक्टर शिव। शक्ति, हमारे बीच एक तो बहस क्या हो गई, तुम मेरे प्यार पे शक करने लगे। शिव शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से हमेशा प्यार ही करते हैं। शिव शक्ति का रिश्ता तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें पता चल गया कि शायद हमारा रिश्ता कभी इतना स्ट्रांग था ही नहीं। शक्ति, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो कि तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है? दौरा हमें नहीं पड़ रहा। अभी कुछ देर पहले आप हम पे चिल्ला रहे थे, हमें बेइज्जत कर रहे थे, अब आप आके हमें झूठा प्यार दिखा रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। दौरा हमें नहीं, दौरा आपको पड़ रहा है। शक्ति, शक्ति देखो, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। सीरियसली, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। बंद कीजिए ये सब। ये क्या मेडिकल टेस्ट लगा रखा है? हर बात में साइंस लाना, लॉजिक की बातें करना, उसकी दुहाई देना, बंद कीजिए प्लीज बंद कीजिए। क्या हो रहा है? क्या हुआ शक्ति दीदी, आप ठीक है? नहीं, हम ठीक नहीं है, और इसकी जिम्मेदार हो तुम। तो, जब से इस घर में आई हो जहर घोल रही हो। तूने तो आज मैं इस घर से निकाल कर रखी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बाबूजी, शक्ति मेरी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है क्या? तुम्हें फिर से इंजेक्शन देना होगा क्या मुझे? डॉक्टर शिव छोड़िए हमें। शक्ति मेरी बात सुनो, शक्ति प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। प्लीज कोयल, अच्छा किया ना इन्होंने बता दिया, पर प्लीज अब घर में किसी और को कुछ मत बताना। और रही बात कीर्तन भैया की, उनसे मैं बात करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, का जवाब तुम्हें देना ही होगा। पर तुम चिंता मत करना, अगर एक भाई ने तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है तो दूसरा भाई सब कुछ सॉल्व कर देगा। ओके प्रिंसेस, स्माइल नाउ। ठीक है भैया।